भाजपा हिमाचल प्रदेश संगठन पर्व की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन शिमला के डीजी होटल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। साथ ही बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार, त्रिलोक कपूर, बिहारी लाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. राजीव भारद्वाज, संजीव कटवाल और राजीव सहजल विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक के संदर्भ में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि संगठन पर्व के अंतर्गत सदस्यता अभियान चलाया गया है और इन दिनों कमेटी का गठन किया जा रहा है। साथ ही आगामी दिनों में मंडल और जिलों का गठन किया जाएगा, जिसको लेकर बैठक में समय सारणी तैयार की गई और सदस्यता अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। देखिए, ये पार्टी की संगठनात्मक बैठक है। हमारी पार्टी का जो संगठन पर्व चला है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक सदस्यता हुई, फिर सक्रिय सदस्यता हुई और आजकल बूथ कमेटियों का गठन हो रहा है। ये जो टीम अभियान चले हैं, इनकी यहाँ पर समीक्षा होगी और आगे जो हमारे मंडलों के गठन होने हैं, जिलों के गठन होने हैं, उसकी समय सारणी इस बैठक में बनाई जाएगी और सारे नियम तय किए जाएंगे कि किन किन बातों का ध्यान रख के मंडलों का और जिलों का गठन होगा। इस बैठक में जो है आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय प्रभारी श्री श्रीकांत शर्मा जी विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं और प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में ये बैठक से। देखिए, अभी तो यही विषय है, परंतु बैठक के अंदर जो भी और विषय आएंगे, जैसे आगामी कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में और उस के मद्देनजर पार्टी को क्या करना है।